बनाने का बोला तो बनाने का टॉपिक पे आते हैं। तो खाना बनाते समय भी महिलाओं, खासकर महिला बनाती, किस बात का विशेष? कई बार चिड़चिड़ापन और एकदम बजा बजा कर खाना, वो बहुत किचन से डन डन का आवाज़ आता है, तो क्या उसका भी प्रभाव खाने पे पड़ता है या वो लाइफ में पड़ता है, घर में पड़ता है? देखिए, यूनिवर्स का अपना लॉ होता है। जितना भी आप देखिएगा, जितना भी भोजन बनाते समय, आप जो भी भोजन खाते समय, किसी को चिल्लाना नहीं चाहिए, उस पर डांटना नहीं चाहिए, चाहे बच्चे हो किसी का, और बनाते समय बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में बनाएं। किसी को गुस्सा कर रहे हैं, किसी से चिढ़े हुए हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, उसमें भोजन बनाएगा तो विष से कम नहीं है। क्योंकि हमारे जो है वाइब्रेशन होते हैं ना, आसपास की ऊर्जाओं को, निर्जीव और सजीव सभी वस्तुओं को जो है प्रभावित करते हैं। तो जो प्यार से भोजन बनाइएगा, जो मन से भोजन बनाता है, उसका स्वादिष्ट भोजन बनेगा, चाहे वो सादा ही खाना क्यों बिल्कुल बिना वही सामान डालेगा, लेकिन उसका भोजन अच्छा होगा। तो भोजन हमेशा प्रसन्न मन से, सात्विक विचार से बनाना चाहिए, तब जाके भोजन आरोग्यकारक होगा, स्वास्थ्यकारक होगा, स्वादिष्ट होगा। अगर उल्टा सीधा अगर आप भावना लेके बना रहे हैं और गुस्सा करके बना रहे हैं, तो भोजन खाने योग्य नहीं बचता है। इससे क्या बीमारी भी होता है या तनाव भी होता है? बिल्कुल, अनेक प्रकार के। देखिए, विज्ञान ने हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर पे बहुत कम नॉलेज है। मतलब जो आध्यात्मिक पहलू है, जो जो भावना का जो प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इमोशन जो होता है ना, हर चीज़ों से जुड़ता है। किसी चीज़ को अगर प्यार से, पौधा को भी आप देख रेख कर रहे हैं ना, और एक पौधा को गाली दे रहे हैं, उसके प्रभाव में आप अंतर देख सकते हैं। खाने की बात छोड़िए, पौधों पे, जीव जंतु, वनस्पति, सब पे प्रभाव पड़ता है इमोशन का। इसलिए शुद्ध भाव से भोजन को प्रणाम करके खाने का सनातन संस्कृत में जो है नियम है, जो वो हमारे लिए अनुकूल हो जाए। करेक्ट करेक्ट।